हलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी चैनल आई एम योर मेंटर होस्ट एंड गाइड डॉक्टर गुफरान नमस्कार अदाब सत श्री अकाल एंड वाट एवर कनेक्ट्स यू होप यू ऑल आर वेल लाइक द प्रीवियस वन नाउ वी आर बैक अगेन विद एन औदर वीडियो फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ई वी एस पेडा आज हम लोग सेकेंड वीडियो इसका अपलोड करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद से कल एक हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए जिसकी वजह से अब मुझे लाइव होने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी थैंक यू अलाट ऑल ऑफ यू तो पेडागोगी के इस दूसरे वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा करेंगे पढ़ेंगे समझेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो यदि जगह समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चों के द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़ कर और जूझ कर नए ज्ञान का सृजन वगैरह बच्चे आसानी से कर लेते हैं कल के कुछ पॉइंट्स को मैं बस पुराने वाले वीडियो के कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बताते चल रहा हूँ नेक्स्ट है शिक्षा के विविध साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार मानना कल भी इस पे चर्चा किया था मैंने थोड़ा सा आज इस पॉइंट को दोबारा से चर्चा कर रहा हूँ कि पाठ्य पुस्तक परीक्ष पाठ्य पुस्तक को ही केवल आधार नहीं मानना चाहिए परीक्षा का बल्कि कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ या दूसरे जो कुछ भी कार्य हुए हों उन सब जुड़ कर काम करके और सबको मिला जुला के तब एक तरह का असेसमेंट पेपर तैयार करना चाहिए जिसमें सिर्फ किताबी बातें ना हो बल्कि अन्य चीज़ों से भी जुड़ी हुई सामग्री होनी चाहिए सृजन और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार बनाएं और पूरा भागीदार माने मतलब हम अपने प्लान में हम अपने लेसन प्लान में वर्क में बच्चों को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे उनकी लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी बच्चों को ज्ञान के निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ देना चाहिए यानी बच्चों को क्या करना है नहीं करना है उसके लिए चीज़ों का निर्धारण पहले से करना बहुत मुश्किल काम है उसको कोई ग्राहक न माने एक निर्धारित खुराक उसे देने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे पूरी आज़ादी दे काम करने के अवसर प्रदान करें स्कूल के जीवन में फेरबदल जरूरी है दैनिक समय सारणी तो लचीलापन होना चाहिए लेकिन वार्षिक कैलेंडर बिगड़े नहीं इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी बच्चों के जीवन पर आधारित होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विस्मय छोटे छोटे समूहों में बातचीत और बहस से और हाथ से की जाने वाली क्रियाओं और गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए प्रारंभिक पुस्तक में भाषा औपचारिक न होकर बोलचाल की भाषा होती है बोलचाल की भाषा को हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं यानी औपचारिक नहीं है प्राइमरी लेवल पे जितने भी किताब लिखे गए हैं उन सब में न कोई डेफिनेशन है मतलब ई की बुक्स में और न किसी तरह की औपचारिक भाषा का प्रयोग किया गया है किसे कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने अपने को अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं और फिर कहानी का वो अपने आप को हिस्सा मानने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी इन्वॉलमेंट बढ़ जाती है इसलिए प्राइमरी लेवल पे ई को पढ़ाने के लिए स्टोरी मेथड यानी कहानी विधि सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है क्योंकि ई एक बहुत ही नीरस विषय है जिसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता तो इंटरेस्ट को जगाने के लिए ई को कहानी के माध्यम से पढ़ाना ज़रूरी होता है ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे एक्टिव होंगे क्रियाशील होंगे तो क्रियाशील रहेंगे तो कुछ काम करेंगे कुछ नए नए काम को करेंगे यानी अपने नए ज्ञान का सृजन करेंगे पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ना यानी कि यानी जो हमने पहले पॉइंट्स देखा पढ़ा समझा ये वही है कि ए, कक्षा के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना सेम वही चीज़ है पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे और तालाब के किनारे प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाते हैं प्राकृतिक भ्रमण भ्रमण पर हम इसलिए ले जाते हैं ताकि बच्चे वास्तविक चीज़ों का अनुभव करके सीख सके बच्चों के स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ा जाता है बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप है जिसे बच्चे स्वयं अपने हाथों से करें और अपने क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा उससे पुस्तक ही मात्र सिखाने का स्रोत नहीं है ध्यान रखने की बात है हम नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल और फॉर्मल कई सारे एजेंसी से लर्न करते हैं बहुत सारे उसमें सोर्सेज हो सकते हैं केवल पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत नहीं होता बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद ले सकते हैं जैसे परिवार के सदस्य समुदाय के लोग ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें ध्यान रखना चाहिए यह कि बच्चों की प्रशंसा की जाए रचनात्मक को अनावश्यक रूप से नकारना नहीं चाहिए यानी बच्चों की जो भी एक्टिविटी है क्रिएटिविटी है उसको पूरा सहयोग करना चाहिए उसमें बच्चों के मूल्यांकन उनके द्वारा दी गई क्रियाओं कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर के अनुरूप होनी चाहिए हर बच्चे अपने गति से सीखते हैं कल वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था डिस्कशन भी किया था तो उसको भी आप देख सकते हैं <coughs> मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है यही मूल्यांकन टॉपिक आज हम लोगों को फाइनल करना है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना प्रश्न करना ड्राॅइंग करना चित्रकारी करना समूह में चर्चा करना और इसके दौरान मूल्यांकन होते रहना चाहिए यही है मूल्यांकन का सतत होने का मतलब किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है इस भिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना सीखना चाहिए भाई हम इंडिया में जो भी चीजें सब डाइवर्स है और जो डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और उसको उसकी सम्मान करना हर शिक्षक का फ़र्ज़ होता है प्रारंभिक कक्षा एक और दो में केवल भाषा और गणित को रखा गया है ध्यान रखिएगा जितने भी विषय हैं प्राइमरी वन टू फाइव में एक और दो सब कक्षा एक और दो में केवल भाषा और गणित को रखा गया है अवलोकन और रिपोर्ट करना वर्णन सुनना चित्र बनाना चित्र देखकर बताना तस्वीर तालिका नक्शे बनाना ये सब बच्चों के द्वारा किए जाने वाली एक्टिविटी हो सकती है चर्चा करने से क्या मतलब सुनना बोलना अपनी राय देना और दूसरों की राय पूछना ये होता है चर्चा करना अभिव्यक्ति यानी चित्र द्वारा हाँ भाव से सृजनात्मकता लेखन हाथों से कुछ बनाकर प्रस्तुत करना अभिव्यक्त करना कहलाता है व्याख्या का मतलब तर्क देना होता है और चीज़ों के संबंध को जोड़ना होता है वर्गीकरण यानी समूह बनाना समानता और अंतर जान जानता समानता और अंतर जानना ये सब तुलना करने वगैरह की बात वर्गीकरण में शामिल होती है प्रश्न करना जिग, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करना या समालोचनात्मक चिंतन को दिखाना प्रश्न करने में आ रहा है विश्लेषण यानी पूर्व अनुमान परिकल्पना करना यानी अंदाजा लगाना निष्कर्ष निकालना ये सब विश्लेषण के हिस्से हो सकते हैं प्रयोग करना यानी वस्तुओं का जुगाड़ मतलब किसी तरह अपना काम निकालना वो प्रयोग में आता है या प्रयोग करना भी डायरेक्ट आ सकता है न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना विविध विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता होना सहभागिता का मतलब ज़िम्मेदारी लेना और पहल करना साथ मिलकर काम करने और सीखना तो कोगी में मैंने सिर्फ़ दो वीडियो आपको सेंड किए इसे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा इस सपोर्ट के लिए इस काम के लिए चूँकि यूट्यूब से अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया है लाइव होने का थोड़ा सा टाइम लगता है एक दो दिन एक हज़ार हो जाने के बाद सब्सक्राइबर तो मुझे लगता है आज या कल तक मुझे यूट्यूब की तरफ से मैसेज आ जाएंगे फिर लाइव होने का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो लोग काफ़ी परेशान हैं लाइव होने और इंटरेक्ट होकर क्लास करने से तो उनको हो सकता है एक दिन और इंतज़ार करना पड़े परेशान मत हो ये लोग लाइव कब होंगे कब होंगे जल्दी हो जाएंगे जिस तरह आप परेशान हैं हम भी परेशान हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इन्हीं दो वीडियो में आपको 10 से 12 नंबर श्योर है कि आ जाएंगे और बाकी आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कवर करेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अदर वीडियो में इंग्लिश या हिंदी हो सकता है हम शुरू कर दें तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार शुक्रिया